सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स एपिसोड 15 पाकिस्तानी विजिटिंग इंडिया। और बरार भाई का यह न्यू वीडियो है और अभी देखते हैं मुंबई में अभी घूम रहे हैं क्योंकि पिछली दफ़ा जो आपने पिछला देखा था रिएक्शन तो वो जो है ना वो मुंबई में दाखिल हुए थे और अभी जो है वो मुंबई में है तो अभी मेरे ख्याल मुंबई इंडिया का विज़िट कर रहे होंगे बिल्कुल लोगों बाइक से से, बाइक के बगैर शायद, क्योंकि बाइक तो इन्होंने दी हुई थी ना। 2 घंटे के लिए क्या लास्ट टाइम दी थी सरकार 2 दिन के लिए? 2 दिन के लिए पता नहीं क्या सीरियसली? देखता है ये। मुझे बहरहाल लग रहा था दो ओरिजिनल मुझे वीडियो लग का रहा लिंक दो डिस्क्रिप्शन घंटे मौजूद होगा उनको भी सपोर्ट करें, मुझे भी, हमें भी सपोर्ट करें मुझे भी। मेरा नाम इसको है राणा पता मोहम्मद नहीं। अली और मेरे साथ हैं मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। वाह क्या बात है यार, नाइस। ओ वाह खैर यार वाह, ग्रेट, क्या बात लगता है है ये जी, इंडिया है, क्या बात है जी। इंडिया ही है ये, अब गालियां नहीं देना वैसे मतलब लग रहा है कि कोई ना बड़ी वेल सेटेड जो कंट्री होती है ना, तरक्की याफ्ता वैसी लग रही है यार। देखो खूबसूरत है यार मुंबई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और सत श्री अकाल जी सब लोगों को। आमची मुंबई से, आमची जो है वो एक्चुअली मराठी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है हमारा या अवर मुंबई, सिटी ऑफ ड्रीम्स, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। ओवर 30 मिलियन पीपल लिव इन जस्ट वन सिटी। तो ये एक मेट्रोपोल है जहाँ पे पूरे इंडिया से जो है वो लोग यहाँ पे मूव हुए हैं। आपको यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट उनकी लैंग्वेजेस, डिफरेंट फूड, हर तरह की चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये सिटी जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लोर करके दिखाएं। मेरी पर्सनली बहुत ख्वाहिश थी सिटी को देखने की, आज वो पूरी होने जा रही है और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अपने स्टाइल में थोड़ा सा जो है वो सिटी को दिखाऊँ। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास बाइक नहीं है, हम बाइक के बगैर एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सा ये जो डिफरेंट ब्लॉग होगा। आज हम मुंबई के खाने खाएंगे, अच्छी अच्छी जगह देखेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज का ब्लॉग अच्छा होने वाला है। मुंबई जी एक ऐसा सिटी है कि जहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ पार्ट से लोग जो है ना यहाँ पे मूव हुए हैं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कम्युनिटीज, और वो साथ अपना जो है वो कल्चर, और कल्चर का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो होता है फूड। तो वो अपने साथ जो फूड लेके आए हैं और आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट हर तरह का खाना जो है वो मिलेगा। हर स्टेट में से आप कह सकते हैं कि मुंबई के जो कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो है जी ईरानियन कैफेज। जगह जगह पे आपको मुंबई में नजर आएंगे ये लोग जो है ईरान और सेंट्रल एशिया से, ज़ोरोअस्ट्रियन रिलीजन वाले लोग थे मोस्टली, 100 साल पहले जो है वहाँ से मूव होके इधर आए थे। अभी उनमें से एक कैफे जो यहाँ का सबसे मशहूर कैफे है जिसे कहते हैं जी ईरान चाय कैफे, हम बिल्कुल उसके बाहर खड़े हैं, ज़्यादा रश है, हमने नाम लिखवाया है। जैसे हमारा नाम आता है हम लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कुछ जो है वो खाने को मिलेगा। अच्छा ईरानी स्टाइल में प्रॉपर जो है ना उन्होंने रखा हुआ है। मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि मुझे जो है उसकी रिकमेंडेशन पहले हमारा सुबह का जो है वो नाश्ता जो देखें। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच। मतलब वीडियो में बात करने में तो आज से नहीं नहीं हट गई आप रिकॉर्ड कर बस फिर ठीक है। ये तो कीमा मुझे लग रहा है सामने, और हम तो इसे बंद कहते थे यहाँ पे, मैं जहाँ जाऊँ अभी बंद या पाँव दोनों पाँव बोलते हैं ना, पाँव और लोकल लैंग्वेज में हमारे बॉम्बे लैंग्वेज में मुंबई लैंग्वेज में पाँव बोलते हैं। तो यहाँ पे कीमा नाश्ते में रेगुलर है, रेगुलर है, चलें ट्राई करते हैं। मटन कीमा रोल हमारे लिए और भी खाना आ गया। इज इट दैट रोल? ये देखो साथ में अंदर चीज़ है। तो ये हो गया जी हमारा ब्रेकफास्ट और चाय कीमा और क्या चाहिए हमें सुबह सुबह, ये बड़ा हैवी नाश्ता हो जाएगा वैसे भी। और देखिए आप साउथ से यहाँ आते आते हर रोज़ जो है वो नाश्ता चेंज हो रहा है, और मीट पहले कम ही हमने खाया है, आई थिंक मैंने किसी भी नाश्ते में नहीं खाया। फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में जैसे आप इंटर हुए साउथ वाले नाश्ते ख़त्म हो गए, अब यहाँ से आगे जो है वो मीट हो जाएगा।
मुंबई में जो सारी कम्युनिटीज हैं आई थिंक खाया तो हर तरह का नाश्ता मिल जाएगा। खाया था जो गोश्त का बना हुआ था, इसे कहते हैं जी यहाँ बिरयानी चाय। देखने में तो ये बिल्कुल ऐसी लग रही है जिस तरह हमारे यहाँ दूध पत्ती होती है। बन मस्ता अच्छा 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 हमने तो वैसे ही जो है वो बन इतना ज़्यादा खा लिया, लेकिन इसको टेस्ट जरूर कर लिया। मतलब वहाँ पे जाकर चाय पीते हैं साथ तो वो भी खाते हैं क्या, जाकर चाय पिया करेंगे। चाय बहुत अच्छी है लेकिन बहुत सिमिलर है जिस तरह आपको पाकिस्तान में दूध पत्ती मिलेगी, क्योंकि ईरान में आपको ऐसी चाय नहीं मिलती। ईरान में आप जब भी चाय पीने जाएंगे ना तो वो आपको ब्लैक टी या वो रेड टी कुछ इस तरह की मिलती है, दूध वाली मैंने कभी ईरान में नहीं पी जितनी बार में मैं वहाँ पर गया हूँ। यहाँ पर इसको जो है ईरानी चाय बोलते हैं, हाँ ईरानी इंडियन चाय ये इसको आप कह सकते हैं। मुंबई में जी 7 आइलैंड हुआ करते थे और टाइम के साथ साथ उन आइलैंड की फीलिंग होकर आज आपके सामने ये बहुत बड़ी जो है वो मेट्रोपोल बन गई है। और हम जिस एरिया में ठहर रहे हैं रात गुजार रहे हैं जहाँ होटल लिया वो अंधेरी के एरिया, और अभी हम जिस जगह पे आए हैं ये है जी बांदा। तो क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ का अप क्लास है, क्योंकि मोस्टली जितने भी यहाँ के वेल्थीएस्ट लोग हैं या फिर जो एक्टर्स हैं तो यहाँ पे जो है वो आके स्टे करते हैं। यहाँ पे शाहरुख खान का घर है, सलमान खान का घर है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है ना उस एरिया से गुजर के जाएँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि यहाँ पे बॉलीवुड एक्टर्स जो है ना मतलब वो कितनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ उनको जो है वो समझा जाता है। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किसी तरह जो है ना कोई कैब या रिक्शा वगैरह लेते हैं और इस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। देखिए अगर आप मुंबई आए और मुंबई में आके यहाँ पे जो इनके अगवानी के लोकल रिक्शाज हैं उन पे नहीं बैठते ना, मतलब वो हम जैसे लोग जिन्होंने मूवीज में ज़्यादा ये जो येलो और ब्लैक रिक्शाज और इतनी टैक्सीज हैं वो देखी होती हैं तो उनके लिए ज़रा थोड़ा सा जो है ना टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो हमने अभी रिक्शा लिया है और आपको जो है ना वो बांद्रा का एरिया जो है वो थोड़ा सा जो है वो दिखाते हैं। सलमान साहब का घर है जहाँ से वो अक्सर जो है वो बाहर आते हैं। अच्छा आज जरा गैलेक्सी देखने दो ना, वो बड़ा खाली गैलेक्सी देखने दो ओ भाई। अच्छा ये हमें जो है वो गैलेक्सी दिखा, इनके घर का नाम गैलेक्सी है सलमान खान साहब। अच्छा 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 तो अभी जो है क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम वसीम है भाई। वसीम भाई ने ना स्पेशल आगे से लोगों को हटाया कि हमें जो है ना गैलेक्सी नजर आए, तो उम्मीद है कि अभी गोप्रो जो है वो गैलेक्सी आपको दिखा रहा होगा। मन्नत शाहरुख खान हम लोग जी फाइनली शाहरुख खान साहब के घर के बाहर पहुंच गए हैं जिसे कहते हैं जी मन्नत जी। और बांद्रा के एरिया में मुझे अगर किसी जगह पे सबसे ज़्यादा लोग किसी जगह पे खड़े हुए नजर आए तो यहाँ पे नजर आए तकरीबन 200 से 250 के करीब लोग जो वो ज़रूर हैं। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि शाहरुख खान ना सिर्फ सेलिब्रिटी है बल्कि लोग जो है ना इमोशनली उनके साथ जो है ना अपने आप को कितना कनेक्टेड महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं किसी एक्टर के घर के बाहर जाके खड़े होके उसके घर के साथ जो है ना वो तस्वीर खिंचवानी, ये लोगों के लिए ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी है। तो शायद इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोग आए हुए हैं।
इनका जो है बड़ा आइकॉनिक सा ब्रिज है जिसे सीलिंग बोलते हैं, जो कनेक्ट करता है बांद्रा को वर्ली के साथ, वर्ली सीलिंग के तो ये कब बना था? 2011 के आसपास, क्योंकि मैंने मूवीज में देखा है तो बड़ा खूबसूरत सा इसका स्ट्रक्चर है और यहाँ से स्पेशली जब आप रात के टाइम गुजरते हैं ना तो बड़ा खूबसूरत है इनकी स्काई लाइन का, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना जहाँ पे ये वर्ली वाला एरिया यहाँ पे सारी जो है वो स्काई लाइन है, ये कमर्शियल एरिया है और रेजिडेंशियल मिक्स्ड एरिया और यहाँ की भी फील ऐसी आ रही है कि यहाँ पे जरा रिच एलीट क्लास, तो यहाँ पे भी वही हिसाब है बांद्रा वाला हिसाब किताब है, तो ये दोनों जो है ना वो इजीली मतलब क्योंकि यहाँ पे बाइक्स वगैरह अलाउ नहीं करते इसलिए, अदरवाइज मेरा इरादा था कि हम जो है ना ये सीलिंग जो है ना वो कवर करके आपको दिखाते, तो हमने कोशिश की कि थोड़ी सी वीडियो वगैरह उसकी बनाएं और बड़ा इजी है मतलब बांद्रा से यहाँ पर रश आउट से 10-12 मिनट में आराम से पहुँच जाता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और वन ऑफ द आइकॉनिक बिल्डिंग, जब भी आपको मुंबई की कोई पिक्चर्स वगैरह कोई बॉलीवुड उसमें कोई सीन बिल्ड करने के लिए वो यूज़ करते हैं ना मुंबई को दिखाने के लिए, आपको अक्सर ये बिल्डिंग जो है नज़र आएगी। इसके बारे में बताता चलूँ कि पहले इसका नाम जो था विक्टोरिया टर्मिनस होता था 1996 से पहले तक, क्योंकि ये बना था 1888 में, 10 साल इसको बनने में लगे थे और तकरीबन 16 लाख रुपया इस पर तब इंडियन रुपीज़ जो है वो खर्चा आया था। तो इस एरिए में भी आप पीछे देखिए कि साइडों पर रोड के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे जो है ना वो कपड़े की मार्केट कुछ इस तरह का ना अल्ला गुल्ला, आप ये कह सकते हैं कि सबसे जो लाइवलीस्ट एरियाज़ है ना ये उनमें से एक है। और पीछे आपको मुंबई की वो जो आइकॉनिक टैक्सीज और रिक्शाज को शायद मुझे नज़र नहीं आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे शायद उनका जो है वो आना मना हो, क्योंकि कुछ एरियाज मुंबई में है जहाँ पर रिक्शे वालों को नहीं आने देते, तो इसी वजह से शायद जो है नज़र नहीं आ रहा है। बाकी हम कोशिश करते हैं कि आपको इस एरिए में और भी जितनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं नज़र आ रहा है। यहाँ में देखें काफ़ी लोग आए हुए हैं जो कि इस आइकॉनिक रेलवे स्टेशन के साथ जो है वो पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, और कह सकते हैं कि यहाँ की मेन टूरिस्टी अट्रैक्शन है और बिल्कुल इसके साथ जो है वो सामने आपको नज़र आएगी ये बिल्डिंग। इसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये यहाँ की जो सिटी काउंसिल या म्यूनसिपल कमेटी है उसकी बिल्डिंग है, ये भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है ये। जो स्टेशन का जो टर्मिनल है जहाँ से ट्रेन्स वगैरह जाती हैं, आप चेक करें रश कितना ज्यादा है। वन ऑफ दी बिजीएस्ट ट्रेन स्टेशन जो मैंने अभी तक देखे होंगे। ये जी कपड़े की और पता नहीं किस किस चीज़ों की जो है ना वो बाहर जो मार्केट लगी हुई है ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल सामने ही जो है सस्ते मिल जाने, दुकानों ने नस्बत और सस्ते मिल जाने। आपको यहाँ पे रोड के किनारे हल्ला गुल्ला शोर शराबा और हॉर्न मारती हुई गाड़ियाँ चारों तरफ से नजर आएंगी। इसको देख के मतलब आपको लगता है कि आप किसी जो है ना वो इंडियन एक मेट्रोपोल में आ गए हैं, और अगर आप किसी मुंबई वाले से या किसी से बात करेंगे ना तो उनको महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अभी मैंने बहुत सारे लोगों से या जिन लोगों से भी मिलूँ तो उनको मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है,
तो मुझे कहते हैं कि हमें तो महसूस भी नहीं होती, क्योंकि हम तो इसके साथ जो है ना वो अपनी ज़िंदगी हमने एडजस्ट कर ली हुई है। और यहाँ पे अगर आपने रोड क्रॉस करनी है तो ऐसे जो है ना आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे आवाज़ नज़र आई है किसी की, अबरार भाई की, लेकिन वो भाई साहब मेरे ख्याल में गुजर गए हैं। किसी ने आवाज़ दी हो सकता है, किसी ने दी हो, दी है किसी ने आवाज़, आवाज़ भी आई है, हो सकता गाड़ी में हो सकते हैं। हम लोग जब भी जिस जगह पे आए हैं, जो फोर्ट वाला एरिया है, और प्रोबेबली द क्वाइटेस्ट पीसफुल, और अभी तक मैंने जितने एरियाज विजिट किए हैं, सबसे जो है वो काम एटमोसफेयर, ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो है ना वो जिंदगी जो है वो थम सी गई है। एक ऐसा शहर जहाँ पे 30 मिलियन लोग रहते हैं, वहाँ पे कुछ एरियाज इस तरह के भी आपको मिलेंगे। ये फोर्ट वाला एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, स्पेशली हमने पीछे जो है वो सेंट्रल लाइब्रेरी विजिट की है, उसके साथ जो है यहाँ पे इस पूरे एरिया में जो विक्टोरियन स्टाइल में बिल्डिंग्स बनी है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। यहाँ पे बैंक्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है। यहाँ पे जी आप डिफरेंस नोटिस करें कि लेफ़्ट साइड पे ये जो बड़ी खूबसूरत सी हिस्टोरिकल सी बिल्डिंग है, ये पूरे एरिया में जो है ना आगे तक आपको जो है ना कुछ लक्जरी ब्रांड्स और कुछ अभी जो है वो सामने जो है वो ज़ारा जैसे नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल सामने यहाँ पे जो है वो लोकल मार्केट भी है, जहाँ पे आपको जब लोग जो है कपड़े ख़रीदते नज़र आ रहे हैं बिल्कुल आमने सामने। और ये चीज़ें आपको जो है ना वो बहुत कम जगहों पे नोटिस करने को मिलती हैं, एक ही जगह पे जो है ना वो दो मार्केट्स हैं। ट्राउजर लड़े, शर्ट्स भी हैं, ट्राउजर भी हैं। ये जगह आई थिंक जो अभी तक सबसे क्राउडेड जगह है ना, ये उनमें से एक है। हम लोग अभी जो है वो गेट वे ऑफ इंडिया की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली गेट है, वो मार्केट वाला एरिया है, या टूरिस्ट के लिए जो है वो प्लम्बिंग सब हो गया था, पता नहीं चलता, सॉरी अबाउट दैट। हम लोग जी फाइनली पहुंच चुके हैं गेट वे ऑफ इंडिया पे, जो यहाँ की सबसे बड़ी टूरिस्टी अट्रैक्शन है। अगर आप यहाँ पे हजूम को देखें तो उसको देख के तो यही लग रहा है, मैंने अभी तक मुंबई में किसी और जगह पे इतने टूरिस्ट नहीं देखे। और खैर, ये 3 करोड़ की सिटी है, तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कम टूरिस्ट होंगे, स्पेशली संडे वाला दिन, छुट्टी वाला दिन है। और इसके बारे में बताता चलूँ, ये 1911 में बनाया गया था, जब किंग जॉर्ज इंडिया आ रहे थे, जो कि फर्स्ट रॉयल ब्रिटिश फैमिली थी, तो उनके लिए ये बनाया गया था, ताकि जो है ना वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी कोई मोनार्क वगैरह आता है था, तो उसके लिए ना कोई मॉन्यूमेंट वगैरह जो है वो बनाया जाता था, उनके लिए ये बनाया गया था। और यहाँ से एक्चुअली जो है वो बिल्कुल सामने जो है यहाँ का जो सबसे खूबसूरत ताज होटल है, वो सामने जो है ना आपको यहाँ से उसका भी व्यू नज़र आ रहा है। क्या बात है, बाकी खूबसूरत है जी मुंबई, कोई शक नहीं है। शाम का टाइम है, बगल में टाइम लैब की वीडियो बड़ी खूबसूरत लगती है, वजह बदल सुबह टाइम तो नाइस। चलिए लैटा देखें, चलो वाह,
हम लोग जब एक्चुअली आए हैं खाना खाने के लिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एरिया जिसे कहते हैं मोहम्मद अली रोड, फूड के लिए, शॉपिंग के लिए, मुस्लिम एरिया है और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा जो है वो नॉन वेज खाना भी मिलता है। तो चारों तरफ जो है ना वो इस टाइम इतनी रौनक है, सबसे जो बिजिएस्ट एरिया जो है मुझे अभी तक मिला है, लोकल्स यहाँ पे सबसे ज्यादा है। टूरिस्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखा जाए तो कम है, लेकिन ये कि लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से है तो हम यहाँ पे बहुत सारी खानों की ऑप्शन है, किसी एक अच्छी जगह पे जाते हैं वो खाते हैं, उसके अलावा आपको जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ का जो एक एरिया उसको थोड़े से कुछ बी रोल्स लेके आप लोगों के साथ शेयर करते ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि यहाँ पे किस तरह के एरियाज वगैरह हैं। रश हम लोग डिनर करने के लिए आ गए, हमारे सामने यहाँ की निहारी है, फर्स्ट टाइम हम निहारी खाएंगे यहाँ पे पाकिस्तान में, तो बहुत लैम निहारी क्योंकि यहाँ पे बीफ नहीं मिलता महाराष्ट्र में। मेरे सामने शकील साहब, ये बड़े अरसे से मुझे मैसेज कर रहे थे आज यहाँ पे इनसे मुलाकात होगी। यहाँ पे आदिल साहब बैठे हुए हैं, सुबह से मेरे पीछा कर रहे हैं स्टोरीज देख के, इनसे भी मुलाकात, मैंने कहा हम साथ ही मिल के खाना खाते। तो आदिल भाई आप भी शुरू करें, खाना इनका बहुत अच्छा होगा। नहीं नहीं, एक प्लेट हम और मंगवाते हैं, एक जी 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 जी, हम सारे मिलते हैं यहाँ पे अपना डिनर करते हैं। ये भाई साहब हैवी हो गए विद नली, विद नली सोच कितनी ऑयली है, मुझे पसंद भी नहीं है। ना मैं खाता हूँ, मुझे नहीं पसंद। ये व्यू बड़ा अच्छा यार, ये किनारे पे बेहतर है, ये बहुत सारे लोग हैं, एक घंटे में इतने लोग कैसे सर आपको पता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी 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 जी, मैं सबसे मिलता हूँ जी, सबसे मिलता हूँ। कैसे आप, कैसे अल्लाह का शुक्र। आप यमन से डायरेक्ट यहाँ पे सर, इतने सवाल सर, थैंक यू बहुत सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप कैसे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? क्या नाम आपका? आयशा, बहुत अच्छा। अर्शिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत शुक्रिया आने का, और बहुत माजरत आप लोगों को तकलीफ थे। एक्चुअली मुझे ना वो थोड़ा सा लग रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद 10-15 लोग होंगे, एक घंटा पहले डाली है ना स्टोरी। मैंने देखा नहीं, तुरंत निकल गया सर। ओह माय गॉड, बहुत बहुत सॉरी, मैं आपको नया लेके देता हूँ। That's nice, yaar. How sweet. Yeah, man. Little fan. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये घर में साथ अपने लेके जाऊंगा जी, मैं अपने साथ घर लेके जाऊंगा। बहुत शुक्रिया जी। असम से है सर, असम स्टेट। बहुत खूबसूरत एरिया वो भी, एक वीडियो लेनी है, बताएं जी। ये आप अपना हाथ जो है ना जरा सा, हाँ जी, क्या आप कुछ बोलना है वीडियो के अंदर? इतना क्या नाम है आपका? मोहब्बत आदतू ब्लर आ रहा। आप आए, सेल्फी ले लेते हैं हम लोग, आप भी आज साथ आ जाए, आप भी साथ आ जाए यहाँ पे ना, आप तो बड़े होंगे तो याद कर। Dealing with a fan, different experience है। हाँ, please पीछे सामान है। इधर सीधा पानी में। पीछे खड़े हैं दीवार पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी जी। आप मुझे मोबाइल दे दो। वहाँ पे
उनकी खुशी कितनी होगी। माय गॉड, इतने तो मैंने शाहरुख खान के घर के सामने भी नहीं देखे थे। सीरियसली अपने अपने लेवल पे हर कोई जो है वो जितनी प्यार मोहब्बत लोग दिखा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग यार। भाई गिरा गया है। लेट है कहीं पर गाड़ी में देखे फाइनली जी रूम में वापस आ चुके हैं। और मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं मुंबई वालों का। नो डाउट, सिर्फ एक घंटे की नोटिस पे मैंने मीटअप रखा था और मुझे लगता है तो शायद 30-40 लोग आएंगे, लेकिन इतने लोग, इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतनी खुशी अलाउ होता। और हम जो है ना इसको एक दो दिन पहले जो है मैंने ऑलरेडी मीटअप जो है वो यहाँ पे अरेंज की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली BMW को वो कैंसिल करना पड़ी क्योंकि परमिशन के इशू आ रहे थे। तो इसलिए हमने जो है ना ये प्लान किया था कि बस एक घंटे में जितने लोग आसपास होंगे उनसे मुलाकात हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बहुत माजरत अगर मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं दे सका, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे लिए इशू बने और बाद में जो है ना मैं आगे दोबारा कभी जो है यहाँ पर ट्रैवल वगैरह जो है ना फ्यूचर में कोई भी इशू बन जाए। खैर एनीवे, दुआ में याद रखिएगा और बहुत जल्दी जो है वो अगले ब्लॉग के साथ आपको मिलते हैं। कोशिश कर देंगे कि मुंबई के बाकी एरियाज़ को भी जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में एक्सप्लोर करके दिखाएँ। अगर हमें बाइक मिल जाती तो बेस्ट है, हम बाइक पर एक्सप्लोर करेंगे मुंबई। और लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना। बिल्कुल बिल्कुल जी, बनता है जो सब्सक्राइब इन्हें भी करें और हमें भी करें जी। और बाकी यार ये जो जितना व्लॉग था देख के ना बंदा, मतलब मैं कहता हूँ कि बोर नहीं हुए हम, और क्योंकि इतनी इतनी खूबसूरत जगह थी मुंबई की। उसके अलावा समुंदर था, वो पुल था, उसके अलावा वो बिल्डिंग थी, वो जो स्टेशन था, उसके बाद गेट वे ऑफ इंडिया था, मतलब उसके अलावा विक्टोरिया बिल्डिंग्स थी, वो होटल था। बिल्कुल यकीन करें सारा कुछ मतलब इतना प्यारा था, खूबसूरत था कि मुंबई मैं कहता हूँ कि सारे का सारे खूबसूरत है। जितनी उन्होंने वीडियो बनाई है, जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनके, अभी वो उन्होंने पूरी तरह मुंबई को देखा भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि अगले व्लॉग में फिर शॉर्ट कवर किया है ना, तो यकीन करें। और उसके अलावा जो एंड पे उन्होंने दिखाया है अपना, अपनी फैन फॉलोइंग, तो यकीन करें एक घंटे तो मैं कहता हूँ कि शाहरुख खान के घर के बाहर भी नहीं खड़े हुए थे जितने इनको मिलने के लिए आ गए थे। यकीन करें मजा आ गया, व्लॉग भी लंबा था, इंजॉय किया है मैंने, तो जरा भी बोर नहीं हुआ। और लोगों को जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं सिर्फ उनको बोलूंगा कि जो लोग हेट फैलाते हैं उन लोगों को कहूंगा कि देख लें इंडिया पाकिस्तान एक ही है। अभी वो इधर ट्रैवल करके आए हैं अब्रार भाई, और लोग एक घंटे के नोटिस पे लोगों ने इतना प्यार दिखाया, और हमारी तरफ से भी आप लोगों का शुक्रिया यार। बिल्कुल, क्योंकि इतनी प्यार मोहब्बत, मुझे शौक लग गया कि यार एक घंटे का नोटिस, अगर एक दिन का नोटिस दे देते तो कहाँ कहाँ से आवाम आती। तो इब्रार भाई भी एट दी एंड ठीक कह रहे थे कि यार मुझे आने वाले वक्त में वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आप लोगों को भी ना हो, तो मैं बार बार आ सकूं और विजिट कर सकूं, एंजॉय कर सकूं। इंजॉयबल व्लॉग था, यकीन माने मज़ा आया, ऐसा लग रहा था हम भी वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और ज़बरदस्त इंजॉय किया।
आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी, हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा और लाइक ठोक दिया करें, शेयर कर दिया करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।